पिंड वसिया नी मंगते पहला आ गए चीनी दे दो सियानी सींड दे तड़के आटा जब गूंद रही होती ना बैठी सो सो मक्खी बैठ रही होती उस पर अच्छा। आजा आजा अंजलि। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जी। और ठीक ठाक हो? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना? ठीक है आंटी जी, बढ़िया बस। और भाभी कहाँ पर है? भाभी तेरी रसोई का काम कर रही है। अच्छा, मैं तो ना तुझे याद कर रही थी अंजलि। वो ना सारे बर्तन तेरे घर पे पहुंचे पड़े हैं, हमारे सारे डोंगे सारी कोलियां। और तू डोलू भी नहीं देके गई, तेरी भाभी कल लिफाफे में दूध लेके आई है। अब आ ही रही थी, बर्तन तो ले आती कम से कम। ले आंटी, बर्तन की क्या बात है, बर्तन जब कुछ अच्छा बनाऊंगी तो डाल के लेके आऊंगी ना, फिर खाली थोड़ी देके जाऊंगी बर्तन आपके। ना ना, तू खाली ले आती, जब कुछ बनाएगी वो तो अलग बात है, बर्तनों के बिना हमारा बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं आंटी जी, फिर क्या हो गया, आ जाएंगे बर्तन, मैं तो भी कुछ लेने ही आई हूँ। क्या लेने आई है? बस बस आंटी जी, थोड़ी सी चाय पत्ती चाहिए थी। अच्छा। क्या करूँ, बच्चों ने सुबह से चाय नहीं पी, चाय पत्ती कल बोली थी लेके आनी, लेके ही नहीं आए घर पे कोई। बस थोड़ी सी भाभी को बोल दो चाय पत्ती ला दे। पत्ती तो ना हमारी भी थोड़ी सी पड़ी है, चल मैं बोलती हूँ। ज्योति ज्योति। हाँ जी, नमस्ते दी। नमस्ते भाभी जी। वो ठीक हो जी? भाभी जी कैसे हो? ठीक है। हाँ जी मम्मी, ये अंजलि को थोड़ी सी चाय पत्ती ला दे। हाँ जी दीदी, अपनी कटोरी लेकर आए हो चाय पत्ती के लिए? अरे भाभी, थोड़ी सी चाय पत्ती लेनी है, कटोरी में डाल के दे दो आप। कटोरी तो आपके पास है ना सारियाँ? अच्छा, सारी कटोरियाँ हमारे घर पे है सिर्फ, जो कल पूजा को दे रही थी कटोरी भर के खीर की। खीर तो दीदी थोड़ी सी बनाई थी। अच्छा, तो हमें नहीं देनी थी? दीदी ये बनाई थोड़ी थी खीर, इस बार बनाओगे ना आपको दे दोगे कटोरी। चलो फिर चाय पत्ती ला के दो फिर भाभी। हो ठीक है, देख लो आंटी जी, खीर नहीं खिलाई आपने मुझे। कोई बात नहीं, आप बनाएगी तुझे दे देगी। वो उसको पूजा को देनी जरूरी थी खीर आपको। चल, उसके बर्तन आए हुए थे इतने सारे, अब वो भी वापिस करने थे, हमने अपनी कटोरी में नहीं दी, उसी की कटोरी आई हुई थी वो भर के दे दी चल खीर की। अच्छा, फिर मतलब अगर खीर लेनी है मैंने तो पहले आपको कटोरी देके जाऊं मैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस तू बर्तन दे जा, खाली दे जा चाय। दे दूंगी आंटी, चिंता मत करो आप। ले आई चाय पत्ती? हाँ जी मम्मी। हेलो दीदी। अरे ये क्या, भाभी चाय पत्ती ला ही रहे थे तो थोड़ी सी ज्यादा ले आते। हमारे भी थोड़ी सी है दीदी चाय पत्ती। अरे वो ना खत्म हुई पड़ी, आशु को बोला था। इसमें तो मेरी एक बार चाय बनेगी। चल एक बार का तो काम चला ले तुम। चल अब एक बार तो मुझे चाय यहीं पे पिला दो फिर। हाँ, चाय भी नहीं पूछी तुमने तो, पानी भी नहीं पूछा। आंटी जी देख लो तुम्हारी बहू के हाल। और कोई घर पे आए तो चाय तो पूछनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तू ना पानी अच्छी चाय पिलाती है जब तेरे घर पे आती हूँ। मैं तो इलायची डाल के चाय बना के पिलाती हूँ आपको, आप तो आए ही नहीं इतने दिन से मेरे घर पे कभी। आऊंगी, अब आऊंगी, चाय पीने ही आऊंगी तेरे घर। बस आपकी तो अब ना पूजा के साथ बन रही है ज्यादा ही कुछ। नहीं नहीं, ऐसी बात थोड़ी है, मेरे साथ आपका इतना प्यार था देख लो। और आंटी जी पूजा को ना ज्यादा मत आने दिया करो घर में, आपको ना पता नहीं है, आप तो यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही आए हो, आपको नहीं पता हो कितनी चुगलखोर है, और ना कलेश ऐसे डालती है ना, फिर आखिर में पुलिस थाने से होके ही निपटारा होता है फिर बात का। हेलो मम्मी, चाय? ऐसे ऐसे क्लेश डालती है पूजा। और भाभी जी आप भी पूजा के साथ मत बात किया करो ज्यादा, बड़ी क्लेशी है वो। बेटा हम कहाँ किसी के घर जाते हैं, अपने आप ही जो आए आए, हम तो जाते नहीं किसी के भी घर पे। अब आती है तो बंदा उसे क्या बोले। अरे भाभी चाय ना बिल्कुल नहीं अच्छी बनानी आती है आपको, सच में पानी जैसी चाय बना रही है। अच्छी तो बनाई है दीदी। अरे हम तो दूध में पत्ती पीते हैं भाभी, पानी वाली चाय नहीं पीते हम, पता ही नहीं आपको। चाय जी सिखाओ कुछ, और चलती हूँ, चलो मैं समझाओ अपनी बहू को। मम्मी चाय अच्छी नहीं है, पी के देखो। ये क्या बेटा, मैं जब इसके घर पे गई ना तो कहती मैं चाय बना लेती, पर ना वो 5 किलो दूध लेती हूँ, 2 किलो का तो कहती मैंने पनीर निकाल दिया, 1.5 किलो की मैंने दही जमा दी, बाकी दूध है बच्चों बुच्चों ने पी लिया, कहती आज दूध खत्म हो गया, पनीर बना दिया, दही जमा दी, वरना कहती आंटी आपको दूध में पत्ती पिलाती। घर जाने पे तो ऐसी बातें करती है ये। मम्मी ये है तो बड़ी तेज, दिमाग चाटती रहती है सबका।
ये तो है ही, सारे महल्ले में इसी के चर्चे होते हैं। चल कर ले खाने की तैयारी अब। ये तो ना सास बहू ना भोली सी हैं, इनसे ही मांग लेती हूँ कपड़े, शादी पे जाना है फिर, इनको पता नहीं है, फिर मैं भी इनसे पटा लूंगी। आंटी जी, भाभी जी, घर पर ही हो? लड्डू की तो ज्यादा ही अच्छी है। हाँ आप भी अच्छी आई, मम्मी बहुत अच्छी आई हुई है। हाँ आंटी जी, भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते, आ जाओ दीदी बैठो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। और ठीक हो आंटी जी? हाँ ठीक हूँ। और दीदी आज क्या लेने आए हो? अरे क्या बात, आप तो उन्हें छेड़ते हो भाभी। ले फिर क्या हो गया, अब जो पड़ोसियों से नहीं मांगेंगे तो और कहाँ से मांगेंगे। ये बात आपने ना आज बिल्कुल सही कही है, मेरे ना ननद के घर में ना शादी है आंटी, अब शादी पे जाना है, इतने खर्चे सिर पे आ खड़े हैं ना, अब क्या बताऊँ सच में। बच्चों के कपड़े लेके आई पहले तो, और शगुन भी इतना मोटा देना पड़ेगा, आपको पता है ननद के घर पे है तो फिर सब देना ही पड़ेगा। और एक ऊपर से मेरी ननद ने शर्त रख दी कि भाई आना है तो गाड़ी लेके आना है, अब गाड़ी हमारे पास है नहीं है, किराए पे गाड़ी लेके जा रहे हैं, इतना महंगा किराया भर के। और अब भाभी जी बस आप एक मेरा काम कर दो, भाभी जी आपने वो उस दिन सूट डाला था ना जागरण में, हाँ वो पिंक कलर का, मरजेंटा कलर का, हाँ वर्क वाला, हाँ जी वो सूट मुझे तुम्हारा दे दो लाके, थोड़ी देर शादी में डाल लूंगी, चलो आपका ही सहारा है, मुझे लाके देना भाभी। अरे आंटी जी आप तो ना मेरी माँ जैसे हो सच में, मुझे बहुत प्यारे हो आप, बस आप ही हो एक मेरा सहारा, और ना मुझे यहाँ पे कोई नहीं समझता। अब भाभी का सूट डाल लूंगी, चलो देखो शादी निकल जाएगी मेरी तो, पहले इतने खर्चे किए हैं ना मैंने, अब एक ही बार डाला है वैसे उसने जागरण पे ना। चलो फिर भाभी का डाला मेरा डाला एक ही तो बात है, चलो कोई बात नहीं ले जाओ। हाय हाय मैंने तो एक बार ही डाला सूट, इसको देना पड़ेगा। अरे भाभी, अरे आपका सूट ना सच में बहुत सुंदर लगा था मुझे। और भाभी इसके साथ क्या आपके पास वो गले वाला सेट और इयररिंग्स भी होंगे? हाँ जी वो भी ला दो फिर। सेट के चूड़ियां भी ला दे। हाँ आंटी जी यह बात आपने सही की, चूड़ियां ना मेरे पास ये एक ही चूड़ियां हैं बस, मेरे पास तो चूड़ियां ही नहीं है। और चल देख के रखना सूट को ना, इतना महंगा सूट है इसका। अरे क्या बात कर रहे हो आंटी जी, मैं भी डालती हूँ महंगे महंगे कपड़े, मुझे आते हैं संभालने, चिंता मत करो आप। ड्राई क्लीन वाला है ना सूट, तभी बोल रही थी, बस कुछ लगा मत देना मीठा मोठा ऊपर। अरे क्यों चिंता कर रहे हो आंटी, ले आए चलो। अब ना दीदी चप्पल ना मांग लेना, इसके साथ चप्पल नहीं है मेरी मैचिंग। अरे भाभी चप्पल तो आपके जैसी ना मैं डालती ही नहीं हूँ, मैं तो हील वाले सैंडल डालती हूँ, हाई हाई हील वाले। चलो ठीक है आंटी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अब क्या करूं बेटा, पड़ोसी हैं, कोई बात नहीं है, पता नहीं कैसे गंदा करके दे देगी। कोई बात नहीं ड्राई क्लीन करवा लेंगे, अब कैसे मना करते, मम्मी मम्मी करती है सारा दिन आंटी, मम्मी जैसे हो मेरे, अब क्या मना करूं मैं भी, मुझे तो जवाब देना भी नहीं आता किसी को भी, कैसे जवाब दे हम। भाभी जी, हाँ जी भाभी जी, वो जरा आपकी प्रेस तो देना, मेरी प्रेस ही खराब हो गई और आपके सूट में सारे बड्डे ले हुए हैं, ला दो जरा जल्दी आंटी जी, प्रेस लेने आनी है। शुक्रिया भाभी जी, बाय। अरे मेरी प्रेस की तो ना सिर्फ तार ही खराब है, इनकी प्रेस की तार अपनी प्रेस पे लगा लेती हूँ और बोल दूंगी प्रेस खराब है आपकी, चली नहीं रही, ऐसे ही ठीक रहेगा।
जी, आपकी तो प्रेस ही नहीं चल रही। ये प्रेस लो आपकी नहीं चल प्रेस, पता नहीं क्या हो गया आपकी प्रेस को भी, खराब होगी, ठीक करवा लो इसको। अभी तो कल ही बाहर से करवा लूंगी प्रेस फिर। अभी तो कल ही नहीं लेके आए हैं। और ये फिर तो एक्सचेंज हो जाएगी आपकी, करवा लेना ठीक है। चलती हूँ मैं। आंटी जी, आंटी जी नमस्ते। जा रही है, होगी तैयार? तैयार तो हो गई आंटी जी, गाड़ी भी आ गई है जो रेंट पे मंगवाई थी। मेरा पर्स ही गुम हो गया, पर्स ही मिल रहा, सारी तैयारी होगी निकलने की। थोड़े से पैसे दे दो, आके वापस कर दूंगी आपको मैं। पैसे 5,000 रुपया दे दो, कल तक दे देना, वो मैंने ना किस्त भरनी है फिर। आंटी जी कल तक नहीं वापिस आ पाऊंगी मैं, 2 दिन लग जाएंगे मुझे आने में, 2 दिन में आते ही दे दूंगी आपको। हाँ शुक्रिया आंटी जी, बाय बाय, ठीक है चलती हूँ। मम्मी उसका ना गेट खुला पड़ा है अंजलि का, आ गई। आ गई है? हाँ, पैसे भी नहीं देगी, 10 दिन हो गए। और मैंने तो आप किस्त भरनी थी, कहती 1-2 दिन में आ जाऊंगी दे दूंगी। तू ऐसा कर उसके घर जाके आ, ठीक बोल कि मम्मी ने पैसे मंगवाए हैं। ठीक है मम्मी। और जाके आ। अंजलि दीदी, अंजलि दीदी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। दीदी और शादी कैसे रही? बहुत बढ़िया रही शादी। अच्छा, वो ना मम्मी ने ना किस्त भरवानी थी, पैसे दे देते आप। अरे मैं कोई भागी जा रही हूँ, घर में पैर रखा नहीं, आ गई पैसे मांगने, दे दूंगी जब होंगे तो। वो तो मम्मी कह रहे थे किस्त भरवानी। हाँ कोई बात नहीं, फिर जब मेरे पास होंगे तो दे दूंगी मैं। एक बार ना आके जाना मम्मी के पास। कोई बात नहीं भाभी, आ जाऊंगी जब होंगे पैसे तो देने आ जाऊंगी। पिंड बसिया नहीं, मंगते पहला आ गए। मम्मी उसने ही पैसे कहाँ दिए? उसने तो ऐसे बोला मुझे, कहती दे दूंगी, कहती भागी थोड़ी जा रही हूँ। फिर मैंने कहा मम्मी बुला रहे आ जाओ, कहती आ जाऊंगी, ऐसे बोल रही है। वो तो पूरी मीठी ठग गया, मुझे तो पहले ही शक था उस पे। और मम्मी मीठी मीठी बातें, मम्मी मम्मी मम्मी। मैंने कहा भी किस्त भरनी है, कहती कोई बात नहीं मैं दे देती हूँ। बता अब मम्मी। अब क्या बताऊं मैं, मेरे से तो लड़ा भी नहीं जाता भाई। चल देखते हैं, बोल रही है बाहर तो दे दे। मम्मी बेड़ा धो देती हूँ। हाँ कर दे, बाहर की सफाई कर दे। अरे भाभी ये क्या कर रही है? अब देख नहीं रही, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, सफाई कर रही हूँ दीदी मैं। और क्या कर रही हूँ? सफाई करनी है तो सूखा झाड़ू लगा ले, पानी मारने की क्या जरूरत है? रोज का काम है तुम्हारा। मैं तो रोज ही धोती हूँ सूखे। यही तो बात है, यही तो बात है कि रोज क्यों धोती हो? सूखे झाड़ू से कूड़ा नहीं निकलता। अच्छा तुम मुझे सिखाएगी कि झाड़ू से कूड़ा नहीं निकलता? हाँ। मुझे सिखाएगी अब तुम? हाँ सिखाऊंगी मुझे मैं अभी। झाड़ू से कूड़ा नहीं निकलता, बड़ी आई। क्या बड़ी आई? चीजें बांधने तो आ जाती है। मम्मी लड़ रही है दीदी, देख लो आंटी जी झाड़ू लगा रही हूँ सूखा, ऊपर से मेरे ऊपर पानी डाल रही है। मम्मी पानी मैंने नहीं डाला। बात सुन, अपने घर के आगे से धो रही है ना, तेरे घर के आगे से तो नहीं कर रही? अरे तो छींटे तो मेरे ऊपर पड़ रहे हैं ना सारे गंदे पानी के। मम्मी कहाँ गिले हुए इसके कपड़े बताई हो? नहीं ऐसे तो नहीं लड़ते ना बेटा, तू भी देखा कर, जब तो चीजें मांगने आती थी तब तो भाभी भाभी। अब मैं चीजें मांगने आती थी तुम्हारे घर का खाऊंगी? नहीं अब पैसे मांग लिए तो तू इस तरीके के व्यवहार पे उतर आई। कितनी गंदी बनती है। कोई पैसे हैं बाद में दे देना, कोई बात नहीं, बोल तो मीठा। हाँ, कहीं तो मम्मी जी। अच्छा, मम्मी जी करती थी। अच्छा अब तुम लोग मुझे ये सुनाओगे कि तुम्हारे घर से मैं चीजें मांगने आती हूँ, ऐसी शक्ल है तुम्हारी ना। रोज तो कोली लेके आती थी मांगने, चीनी दे दो, सियाणी सींड दे तड़के। मम्मी हाँ तेरे घर का खाऊंगी, आटा जब गूंद रही होती ना बैठी, 100-100 मक्खी बैठ रही होती उसके ऊपर। तुझे मेरे हाथ लाएगी। ओ
नहीं।